नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे आप फिलअप कर सकते हो, कैसे आप भर सकते हो। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और दोस्तों यहाँ पे यदि आपके पास फॉर्म नहीं है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने ये फॉर्म को बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट से जो है मैंने डाउनलोड करके मैं फिलअप करके आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको पीडीएफ फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है मेरा पूरा फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे 5 फॉर्म आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच पे आपको लिखना है आपका ब्रांच का नाम उत्तम नगर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको डेट भरना है, डेट आपको वो भरना है जिस डेट पे आप ये फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन माई डिपोजिट अकाउंट विथ योर ब्रांच बैंक रिलेवेंट टाइप ऑफ अकाउंट फॉर विच आई इनिशियली डिपोजिट रुपीज 10,000 मैंने दिया है, ठीक है। आप जब अकाउंट खोल रहे हो तो हाल ही में दोस्तों आप इनिशियली आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। और दोस्तों यदि आप मिनिमम अमाउंट देके आप खोलना चाहते हो और मिनिमम अमाउंट कितना देना है वो आपको श्योर नहीं है, पता नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आप बैंक में जाके उधर में पूछताछ कीजिएगा और आप भर दीजिएगा मिनिमम अमाउंट और आप खोल लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट आपको भरना है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सरनेम आपका भरना है, मिडिल नेम में तो भर सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मीडियन नेम, यदि आप फीमेल हो, फीमेल एप्लीकेंट हो, आप फीमेल हो और अकाउंट खोल रहे हो तो आपका नाम यहाँ पे देना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे यदि आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पे भरना है, वरना पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आगे जाके आपको फॉर्म 60 और फॉर्म 61 आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे मैरिड लिखना है, अनमैरिड हो तो अनमैरिड आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन, आपको यहाँ पे इंडियन लिखना है सिटीजनशिप में। ऑक्यूपेशन, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप एम्प्लॉयड हो, जो भी हो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद में रिलेशनशिप विद द फर्स्ट एप्लीकेंट आपको यहाँ पे सेल्फ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे फादर नेम या फिर स्पाउस नेम, आपका पिताजी का नाम या फिर पति या पत्नी का आपको नाम यहाँ पे लिखना होगा पूरा नाम, और आपका माताजी का नाम आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप जो है ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हो और भी दो बंदा है तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आपको देना होगा, यदि आपका इंडिविजुअल है तो यहाँ पे कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हो प्लीज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, आप यहाँ पे माइनर हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, स्टाफ हो, पीएफ नंबर का या फिर पेंशनर हो, जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैंने फिलहाल जनरल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन इन केस ऑफ द माइनर, यदि आप 18 साल से कम उम्र हो, आप माइनर हो, तो वो केस में आपको ये सारा कुछ यहाँ पे भरना होता है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। यदि आप माइनर नहीं हो तो इसे आप ऐसे इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में फैसिलिटी आता है दोस्तों, आपको बैंक अकाउंट खोलने के बाद में क्या क्या चाहिए, चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा, और अकाउंट स्टेटमेंट में आपको पासबुक चाहिए तो पासबुक आप कर दीजिए, ईमेल के जरिए से भी चाहिए तो ईमेल भी कर दीजिए, और आप स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी आप मंथली लेना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, मैं मंथली दे देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग जो है बैंक ऑफ इंडिया का स्टार कनेक्ट आता है, और यहाँ पे डेबिट एटीएम कार्ड जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसका तो वैसे भी लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो ये सारा कुछ आप जो है मार्क कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम दूसरे फॉर्म की ओर। तो यहाँ पे हम चले दोस्तों अभी दूसरे फॉर्म के, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट आपको किस किस डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, तो ये सारा जो है दोस्तों ये वैलिड आईडी प्रूफ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो केस में आपके पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी आप अकाउंट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्म 60 या फॉर्म 61 पैन कार्ड के बदले में आपको आगे जाके भरना होगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको भरना है और इश्यूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने दिया है और डेट इश्यू आपका कब हुआ था वो आपको यहाँ पे भरना है, आपके लाइसेंस के अंदर ही रहेगा वो। और प्लेस ऑफ इश्यू, कहाँ पे इशू हुआ है, वो जगह का नाम न्यू दिल्ली मैंने दिया है, वैलिड अप टू कब तक वो वैलिड है, ठीक है, वो आपको भरना है। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का दे दिया, यदि आप ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हो तो सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट का भी आपको देना होता है, ठीक है। और दोस्तों आपका एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी जो है ये सेम आप ड्राइविंग लाइसेंस का ही आप यहाँ पे दे सकते हो। यदि आपका आइडेंटिटी प्रूफ में यदि आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वो केस में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वो आप नहीं दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ के लिए अलग से देना होता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आईडी में भी होता है और उसमें एड्रेस भी आता है तो आप वो दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम आगे चलते हैं। परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना होगा, आपका फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, रोड नंबर, ये सारा लोकेलिटी आपको भरना है और आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी भरना है और आपका स्टेट और कंट्री यहाँ पे भरना है, पिन कोड भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, जीमेल आपका या फिर ईमेल आईडी जो भी आपको वो भरना है, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट का भरना होगा, ठीक है। तो आगे चलते दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस जो है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ऊपर में हमने एड्रेस दिया है दोस्तों, परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एक ही है तो आपको यहाँ पे एक लाइन देना है, डू दे देना है और यहाँ पे एक लाइन दे देना, ठीक है, मतलब वो सेम ही है दोनों, ठीक है। और यदि आप गाँव में, आपका गाँव से आप दूर जगह में जाके काम कर रहे हो तो वो केस में आपका ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर यू अ टैक्स रेसिडेंट, यदि आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो तो आपको यहाँ पे ये फिलअप करना होता है, वरना इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे फॉर्म की ओर। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताया गया है, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, बैंक और आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है, आप एकदम धीरज के साथ ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में सबसे नीचे आपका जो है आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है, ज्वाइंट एप्लीकेंट है तो सेकेंड और थर्ड का भी आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम फिलहाल चलते हैं दूसरे ओर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप देख सकते हो, डिक्लेयर प्लीज मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स, आप देख सकते हो आई डिक्लेयर दैट आई डू नॉट एंजॉय एनी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी विद अदर बैंक। यदि आप दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, नहीं चला रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये टिक मार्क करना है। यदि आप चलाते हो तो नीचे में टिक मार्क करके आपको ये सारा भरना है, ठीक है, ये सारा कुछ भरना है। यदि आप नहीं चलाते हो तो सिंपली यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए और इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, यदि ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में कोई बंदा अकाउंट खोल के रखा है, वो बंदा आपको रिफर किया है, उसने ही आपको इंट्रोड्यूस किया है बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलने के लिए, तो उनका डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो और उनका सिग्नेचर यहाँ पे आप दे सकते हो। और ये ऑप्शनल है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको देना है, आप नहीं भी देते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी हम बढ़ते हैं नीचे की ओर। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन आपका सेल्फ अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और आपका नाम यहाँ पे भरना है और आपका सिग्नेचर यहाँ पे भरना है और आपका फोटो यहाँ पे आपको एक चिपकाना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं नीचे की ओर। तो आप देख सकते हो ये ऑफिस यूज के लिए है, आपको ये सारा कुछ नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज के लिए, बैंक के एग्जीक्यूटिव वो भर देगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं और दूसरे फॉर्म की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉर्म 60 और फॉर्म 61 जो है वो आपको भरना होता है। आप देख सकते हो पैन कार्ड के बदले में आपको ये भरना होता है, ठीक है, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तभी आपको भरना है। तो दोस्तों आर यू ए टैक्सेस एसेस, आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो तो आपको येस करना है। इफ येस देन आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका डिटेल्स ऑफ वर्ड आपको भरना है, सर्कल भरना है, रेंज भरना है, वो सारा कुछ भरना है यदि आप टैक्स पे करते हो। नहीं करते हो तो सिंपली आप नो के ऊपर में टिक मार्क कर दीजिएगा और उसके बाद में रीजन फॉर नॉट हैविंग पैन कार्ड, आपको कारण बताना होगा कि आपके पास पैन कार्ड क्यों नहीं है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि नॉट येट अप्लाई, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, वो आपको सिंपली बता देना है। और दोस्तों आप यदि इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो तो ये फॉर्म 61 भी आपको यहाँ पे सारा कुछ भरना होता है। आप इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करते हो तो आपको ये कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है। और यदि आपका एग्रीकल्चर वगैरह का बिजनेस है तो इनकम टैक्स पे करते हो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर देना होता है और डेट प्लेस वगैरह देना होता है। तो दोस्तों यदि आप पे नहीं करते हो तो सिंपली आपको ये छोड़ देना है, जरूरत नहीं है। और दोस्तों अभी आता है फाइनली नॉमिनेशन की ओर, ठीक है। यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो आप किसको देना चाहते हो, नॉमिनेशन का मतलब वो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे आई पे ऊपर पे आपको मार्क करना है और आपका नाम भरना है, ठीक है।
और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम भरना है और नॉमिनी का नाम यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी का नाम में आपको क्या भरना है, नेम ऑफ नॉमिनी आपका नॉमिनी का नाम भरना है और नॉमिनी का आप एड्रेस भरना है यहाँ पे और रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ, मैंने सिस्टर दिया है और एज कितना है वो आपको यहाँ पे भरना है। दोस्तों नॉमिनी का एज यदि 18 साल से कम है, यदि वो माइनर है तो वो केस में आपको यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। एज द नॉमिनी इज माइनर, यदि नॉमिनी माइनर है तो वो केस में आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। नॉमिनी का नाम यहाँ भरना होगा और प्लेस भरना होगा, डेट भरना होगा और उसमें आपको यहाँ पे एक विटनेस भी देना होगा और यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे आपका डिपॉजिटर्स का, आपका अकाउंट का, आपका सिग्नेचर आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वेयर डिपॉजिट इज मेड इन द नेम ऑफ द माइनर द नॉमिनेशन शुड बी साइंड बाय द पर्सन लॉफुली एंटाइटल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर शुड बी विटनेस बाय द थंब इंप्रेशन ऑफ डिपॉजिटर शुड बी विटनेस बाय द टू पर्सन। तो दोस्तों इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, यदि आप माइनर है तो वो केस में ये सारा कुछ फिलअप करना रहता है, माइनर नहीं है नॉमिनी तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा कुछ हमने भर दिया है, तो ये सारा कुछ आप जैसे कि देख सकते हो ये तो जो है बैंक की तरफ से ही भरेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारा कुछ भर दिया है, सारा कुछ डिटेल्स वगैरह हमने भर दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपका हार्ड कॉपी का जो भी एड्रेस प्रूफ है, मैंने जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप जो भी आपका आईडी प्रूफ वगैरह आपने यहाँ पे भरा है वो आपको साथ में लेके ये फॉर्म को लेके आपको बैंक पे जाना है, एग्जीक्यूटिव को भर देना है और आपका जो है अकाउंट जितना भी दिन उनका प्रोसेस वगैरह लगता है उसके हिसाब से आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।